हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनीष है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीटेट पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर 2019 का पूरा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सीटेट एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकेंगे। आपको अगर आपने कुछ कम पढ़ रखा है या आप पढ़ के नहीं भी जाते तो भी आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं या मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइबर को बटन को दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दिए, जिससे जब भी मैं अपनी कोई एजुकेशन वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। दोस्तों, आप सी टेट पेपर सेकेंड प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर देख रहे हैं। इसका जो पहला भाग आएगा, भाग फर्स्ट पार्ट एक, ये होगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास के संदर्भ में अनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निश्चित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आपका सही थर्ड वाला। थर्ड वाला, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परिक्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ये ठीक हो जाएगा। फिर चलेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ठीक है, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में होगा, सतत एवं सामग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। इसका आंसर होगा आपका थर्ड, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, ये इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आप चौथे पे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है, क्या कहेंगे उसे, उसको क्या कहेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, समाजीकरण कहेंगे उसको। ठीक है, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पेपर ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं आपको इसका आंसर टिक लगा रहा हूं। अगर आपको चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करके बढ़ाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूं या एक्सप्लेन करके भी बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका फाइव आ जाएगा इसका। तो इसमें है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ साथ आंसर भी देते हुए चलें और आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने आंसर इसके सही किए हैं, जिससे आपको भी पता लग जाएगा कि हम सीटेट में कितना स्कोर कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि ये सेम वही पेपर है, बैक ईयर पेपर है, इसी टाइप, इसी से मिलता ही जुलता पेपर आएगा, ज़्यादा अंतर नहीं होते हैं पेपरों में, तो इसको करने की आप लोग कोशिश करिए। ठीक है, तो ठीक है, पांचवा क्वेश्चन था, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए आप लोग बताएं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। फिर आ जाएंगे आप सिक्स में, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है, पढ़ने की प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई, ये किसके सूचक हैं, ये बताना है आपको।
तो किसके हो जाएंगे ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के, ये इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला। तो उसके बाद चलेंगे 7th क्वेश्चन पे, ठीक है। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों के बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं, इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियां एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सही 7th वाले का। फिर हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8th में। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में संरचनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अनेक परिपेक्षों को प्रोत्साहित करके तथा मूल्य विचारों को महत्व देकर, ठीक है। फिर हम देखेंगे 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है, कौन सा लेता है, देने की कोशिश करिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना, ठीक है। 10th को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उप लक्ष्यों में विभाजित करना, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे 11, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अभिकर्ताओं की विशेषताओं को किस प्रकार से बता सकता है, ओब्लिक संबोधित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, या इसका होगा राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे 12, ठीक है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान ना देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं, देखिए इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो ब्लैंक जो रिक्त स्थान दिख रहा है इसमें आपको कुछ फील करना है, क्या फील किया जा सकता है इसमें, क्या सही आंसर होगा इसका बताइए, विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 4th इज राइट, ठीक है। अब देखेंगे 14, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, संवाद के द्वारा बच्चों के इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। आंसर क्वेश्चन देखेंगे हम 15, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो कौन सी नहीं है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, नंबर 1 विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का संवेगी स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, विद्यार्थियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, क्या करते हैं बताइए, बहुत सिंपल सा है ये,
ये तो आप बता ही देंगे। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन तो आपको सीटेट में अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए इंकरेज करेंगे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। थर्ड का मतलब है ये चारों ही प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 17। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा इसका आंसर 17 का? इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। फिर आप आ जाएंगे 18 में, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्येक रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास करना। क्वेश्चन नंबर चौथा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है? ये बताना है हमें, किस प्रकार संबंध होता है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 19। फिर हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? कौन सी अवस्था बतानी है बाल्यावस्था की आपको? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था, ये आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर बिल्कुल सिंपल लगेगा, और जो नहीं पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा तर्क के आधार पर थोड़ा सा चिंतन करेंगे इसका तो जवाब मिल जाएगा। इसका इसका जवाब हो जाएगा आपका सेकंड, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा राइट दूसरा। अब हम चलेंगे 21 की ओर, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्राथमिक एजेंसियां हैं। ठीक है राइट। अब आगे चलेंगे, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है, ये बताना है आपको, क्या अभिप्राय है? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। ये इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 22 वाले का। उसके बाद हम चलेंगे 23 में, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? 23 का आंसर है आपका हो जाएगा थर्ड, जेंडर रूढ़ी बाधिताएं बोलेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 24, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिससे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, यह जेंडर रूढ़ी बाधिता को समाप्त करता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे हम 25 में, बायोगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्या आंसर हो जाएगा भाई 25 वाले का? तो इसका आंसर हो जाएगा पाड़ या ढांचा। दूसरा क्वेश्चन इसका सही है। फिर हम लोग आ जाएंगे 26 में, देखिए 26 में क्या कह रहा है वो, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा
यह कहते हुए तानिया से उसने लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश 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 अभिविन्यास प्ररूप को डैश 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 अवस्था पर दर्शाता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, आदान प्रदान परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हम 27 डैश 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 के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 वाले का आंसर हो जाएगा सेकंड, लैब बाय गोस्ट की। यह आंसर इसका ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर 28 में आ जाएंगे, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकलते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ठीक है, ये बताना है इसमें क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये राइट होगा इसका पहला वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं 29, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, पैटर्न को खोजने के एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ठीक है, यह आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी का। ठीक है, जो अधिकतर आते ही है जिनके जिन प्याजे आ गए हैं हमारे, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमानात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो किस अवधि में होगा? वो होगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट है। अब आगे हम चलेंगे, आगे आ जाएगा पार्ट भाग सेकंड आएगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, और जो आर्ट्स वाले हैं वो अपना सोशल स्टडी सामाजिक अध्ययन का पार्ट करेंगे। ये साइंस के बच्चे जो होंगे मैथमेटिक्स और साइंस वाले वो इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकेंड तो इसमें देखेंगे, इसका जो 31 क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है 31, वो है एक घनाकार गोदाम की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर अधिकतम कितने घनाकार डब्बे रखे जा सकते हैं? यदि प्रत्येक डिब्बे की बीमा 2.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, 4800 इस राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका 32, किसी लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन बताना है। ठीक है, इसमें पाई की वैल्यू जो है आपको दे रखी है, और वैसे नॉर्मली पाई की वैल्यू आपको, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगा कि पाई की जो वैल्यू है कितनी होती है। इसको आप सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड, 4.4352 मीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम 33 नंबर पे, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके एक विकर्ण पर
उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर है तथा 8.8 सेंटीमीटर है। इसकी विकर्ण की लंबाई क्या है, यह आंसर बताना है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट 2.8.4 मीटर, राइट आंसर हो जाएगा। और फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34, 34 क्वेश्चन जो है, यदि 5 ब्रैकेट स्टार्ट 3x+4 ब्रैकेट क्लोज -8 ब्रैकेट में है 6x+7 ब्रैकेट क्लोज है इक्वल 9x-8 है तो एक्स ब्रैकेट में x2-2x+1 का मान क्या होगा, ये बताना है। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, और सॉल्व करके इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा थर्ड 25/9, ये इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। फिर देखिए हम देखेंगे, थर्टी फाइव में जब ए बराबर 1 सेंटीमीटर एक सॉरी जब ए बराबर 1, बी इक्वल -3 तथा सी बराबर -2 है, तो ए ब्रैकेट में a+b² + c+b² (a²+b²+c²-a)² का मान बताना है, क्या होगा इसका मान। तो 35 है ये, 35 का हो जाएगा फर्स्ट, इसका मान हो जाएगा 154, ठीक है, राइट आंसर। फिर देखेंगे हम 36, व्यंजक ब्रैकेट में x-y (x²+x²+y²) + (x+x) फिर ब्रैकेट है x²-xy+y², फिर दूसरा माइनस ब्रैकेट में है x+y (x²-y²) बराबर है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो इसका आंसर जो है जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड x³+y³+xy(y-x)। ये हो जाएगा इसका आंसर। फिर हम आ जाएंगे 37 में, निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक बहुलक और परिसर का माध्य क्या है, ये इस बताना है इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दूसरा, 35 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 38, एक गणितीय परिमेय है, इन ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक बताने हैं आपको क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एक कथन जिसे अभिगृहीतों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन देखेंगे हम, वस्तुएं जो एक एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी, यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हमारा होगा फोर्थ, क्यूक्लिड ने, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलेंगे हम 40 क्वेश्चन की ओर, गणित में अंतः विषयकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है, बताना है। नंबर ए परियोजना को, क्षेत्र भ्रमण को, सी वर्णन अभिलेखों को, ओलंपियाड को, किसे किया जा सकता है बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा थर्ड, सी और डी दोनों को, सी डी मतलब वर्णन अभिलेखों और ओलंपियाड दोनों उसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका 41, 41 क्वेश्चन आ जाएगा। 41 क्वेश्चन में किसी विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, तो कौन सी विधि से किया जा सकता है, इसका हो जाएगा नंबर फर्स्ट प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि से किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन को,
गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है, किसे प्रोत्साहित किया जा सकता किया जाता है। नंबर एक मानस दर्शन, मानस दर्शन हो जाएगा, पक्षांतरण, कंठस्थ करना, सामान्यीकरण करना, अनुमान लगाना, कौन सा हो जाएगा इसमें से। इसमें से हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी मतलब ई वाले को छोड़ के बाकी के सब होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 33, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी। चार में से एक ऑप्शन बताना है, तो किस में होगी इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए मैं मैथमेटिक्स का जो ये है पूरा सॉल्यूशन आपको नहीं बता पाऊंगा, खाली आंसर टिक लगाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके आंसर को भी सॉल्व करवाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए, मैं इसके आंसर को भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम की कमी है जिसके कारण मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ पूरा सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन मैं इसके लिए अदर से वीडियो आपको बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 44, 44 क्वेश्चन है, 44 क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा NCF 2005 के अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है, तो किससे होगा। बताइए, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदानों की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए, ये इसका दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 45 पे। गणितीय कक्षा कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है, क्या प्रभावी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए, आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, तो इसका आंसर आप बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 40, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे 47, 47। प्याजे के अनुसार बच्चों के दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये जो नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसको थोड़ा सा बारीकी से देखा कीजिए, अधिकतर स्टूडेंट इसमें गलती कर देते हैं अधिकतर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में देंगे तो ठीक रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आज हो जाएगा आपका फर्स्ट, ज्यामिति बोध की प्रगति प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्क संगत क्रम में। ठीक है, 47 हो जाएगा। फिर आप आ जाएंगे 48, 48 में आ जाएंगे। यदि -12 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -3 प्लस ब्रैकेट 20 प्लस 20 डिवाइड ब्रैकेट में -4 माइनस ब्रैकेट में -24 प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज है फिर माइनस होगा ब्रैकेट स्टार्ट होगा 16 प्लस -2 ब्रैकेट क्लोज हो गया इक्वल -28 प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज प्लस एक्स है, तो एक्स का मान है, इसका एक्स का मान बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड 46। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि 8 अंकों वाली संख्या
30x0867y कोमा 88 से विभाज्य है, तो 3x+y का मान क्या है ये बताना है। इसका मान हो जाएगा आपका पहला वाला आंसर यानी कि 5 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे आप। 6 सही 2/3 डिवाइड 2 सही 1/2 गुणे गुणा 3 सही 3/4 माइनस 5 सही 1/2 गुणा 4 सही 1/4 प्लस 1 सही 2/3 ब्रैकेट में 7/8 प्लस 3/4 गुणा 2/3 का मान है, मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना हो जाएगा आप बताएंगे, इसका मान हो जाएगा आपका चौथा वाला माइनस 11 सही 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 51 पूर्णांकों 1 से 100 तक के माध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है, संख्या बतानी है आपको, क्या हो जाएगी संख्या, थर्ड वाला 8 आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 52 में आ जाएंगे। यदि 21 168 इक्वल 2n गुणा 3b गुणा 7c है, तो जहां a b तथा c प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो 4a माइनस 5b प्लस c का मान क्या है, इसका आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, थर्ड 3। माना कि x यह वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। x के अंकों का योग है, योग बताना है इसमें, क्या हो जाएगा उसका योग, योग हो जाएगा आपका थर्ड 17। ठीक है, फिर 54 वाला देखेंगे आप। संख्याएं 50, 61, 92, 117 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इस प्रकार इसी क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात में हो जाएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55। 55 क्वेश्चन है, 1710 की एक राशि ए बी सी तथा सी में से इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है, ए और सी में क्या अंतर है ये बताना है, सी में अंतर सॉल्व करेंगे, इसके को सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, सॉल्व करके जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा इसका फर्स्ट 450 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। टोकरियों ए और बी में से रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है, यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है, ए और बी कुल कितने फल हैं, तो इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा पहला यानी कि 32। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। फिर हम आ जाएंगे आपके 57 में, क्वेश्चन नंबर मैथमेटिक्स का 57 है ये। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी का उभयनिष्ठ आधार एबी है और दोनों त्रिभुज एबी के एक ओर स्थित हैं, डी ए लंब है ए बी पर और सी बी लंब है आपके ए बी पर तथा ए सी बराबर है बी डी के, निम्न में से कौन सा सत्य होगा ये आपको बताना है, कौन सा सत्य हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका सेकंड, त्रिभुज ए बी सी समानुपाती होगा आपके, सर्वांगसम होगा आपके त्रिभुज ए डी बी के। सत्तावन के बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे। 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, ठीक
ठीक है, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है ये इस बताना है आपको। तो कौन सा बनाएगा इसमें से, इसमें से जो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, थर्ड इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसका, किसी चतुर्भुज के कोण 3:5, 5:7, 9 के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का अंतर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका थर्ड वाला 90 डिग्री। ठीक है, तीसरा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका मैथमेटिक्स का अंतिम क्वेश्चन है ये, 60 नंबर पे। अंतिम क्वेश्चन को देखिए आप, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में है, पूर्णांकों में है, तो इस प्रकार के कितने विभिन्न त्रिभुज संभव हैं, कितने संभव हैं बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, यानी कि 2 त्रिभुज संभव होंगे। ये 60 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के खत्म हो चुके हैं। देखिए अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 61। 61 यहाँ से हम बात करेंगे विज्ञान यानी कि साइंस के बारे में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए, इन चारों में से गलत कौन सा कथन है। तो इन चारों में से जो गलत कथन है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो होगा चौथा वाला, बाल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ये आज हो जाएगा आपका आंसर गलत। ठीक है, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नंबर एक, ए है जो आयरन जिंक सल्फेट बिलियन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, जिंक कॉपर सल्फेट बिलियन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, कॉपर आयरन सल्फेट बिलियन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। इसका आंसर वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, केवल बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 63, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, सही कथन जो हो जाएगा उसका ये हो जाएगा आपका थर्ड, प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। 64, सिक्सटी फोर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 64 जो क्वेश्चन है, गलत कथन पहचानिए, इसमें गलत कथन पहचानना है। तो इसका जो भी आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, बायोगैस का किलोरी मान ऊष्मीय मान एलपीजी के किलोरी मान ऊष्मीय मान से अधिक होता है। ठीक है, 65 क्वेश्चन नंबर है इसका, साइंस का 65। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, 22 किलोमीटर। 66 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए, गलत कथन आपको छांटना है इसमें से। इसका गलत कथन जो है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वर्ताकार गतियां होती हैं, यानी कि इसका थर्ड जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 67, 67 क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य है, ए बी सी डी। तो इसमें से जो सत्य कथन होगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला वाला, ए सी और डी इज करेक्ट।
68 निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है, यहां पर आ गया नहीं, तो इस कौन सा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, विज्ञान तथ्यों से समुच्चय के समतुल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, बच्चों के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलापों और प्रयोग द्वारा होती है, तो आंसर कौन सा सही होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, प्रक्रियात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, 71 अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेके जाती है, इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त तो उद्देश्य है, तो कौन सा होगा, फर्स्ट ए बी सी डी में से बताना है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें आंसर होगा थर्ड इज राइट, ए बी और सी। 72 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा के उद्देश्य नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड, अवधारणाओं के पाठ्य पुस्तकीय भाषाओं का पर बल देना, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है, क्या दे सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, 74 एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूनों में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है, उपयुक्त कथन में रेखांकित शब्दों से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोध करना। 75 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में संक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, कक्षा में व्याख्यान सुनना, थर्ड आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन आएगा, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है, तो किसका होगा, ए बी सी अवधारणा मानचित्र, ए बी वर्णन अभिलेखा, सी पोर्टफोलिया, डी संत अंत उपलब्ध परीक्षण, तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा आपका दूसरा वाला, ए बी और सी। 77 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, वर्णन अभिलेख। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 78, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही है, ए बी सी डी, तो कौन से सही होंगे, इसमें से आपको बताना है, इसमें से जो कथन होगा पहला ए और बी, ये सही हो जाएगा, पाश्मीना साल बकरी के बालों से बनता है, और बी जो है वो है आपका अंगोरा एक प्रकार के ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, लंबा मेरुदंड रीढ़ी, बहुत सी मांसपेशियां आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बलियों में मुड़ा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सर्प यानी कि सांप। 80 क्वेश्चन में आ जाएंगे हम लोग, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसमें से बताना है, ये हो जाएगा आपका चौथा वाला, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, ये वाला सही नहीं होगा। ठीक है, हम आ जाएंगे 81 पे, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है, तो इसमें से आप मिलान करके देख लेंगे
और मिलान करने के बाद जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ए का चौथे के साथ है, बी का फर्स्ट, सी से सेकंड से मिलान होगा, डी का थर्ड के साथ मिलान होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 82 जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिकीय में साबित होता है तो यह पाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्रा सिया है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? ठीक है, इसमें जहां मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूं, जहां नहीं शब्द का प्रयोग हो उसको थोड़ा सा सही से देख लीजिए, थोड़ा डीपली उसको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश, जल्दीबाजी ना करें वरना आपका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? दूसरा, गन्ने के रस के किण्वन में, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो कौन सा भिन्न है वो आप देख रहे हैं, कौन सा भिन्न है इसमें? संरक्षण, ये इसमें से भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 85, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है, तो इसमें से हो जाएगा आपका थर्ड, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये वाला सही नहीं होगा, ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम 86, कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? कौन सा निरूपित करेगा बताना है इसमें, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, मृतिका, गाद, रेत, बालू, बजरी, चट्टान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 87, मछली मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है, क्या कार्य होता है इसमें? ये तो बहुत सिंपल है, आपको पता होगा, सेकंड वाला आंसर राइट होगा इसका, जल में उपस्थित बिलीय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। मछली को आपने देखा होगा गिल्स जो होते हैं वो गलफड़ों से सांस लेती है, उससे मतलब ऑक्सीजन को अवशोषित करती है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम 88, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है, ये आपने अगर प्रैक्टिकल करे होंगे, जो साइंस के बच्चे हैं साइंस साइड में करे होंगे तो उनको पता होगा, किसका? थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा, ब्लेड, ठीक है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। 89 क्वेश्चन है, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रक्षेपण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है और अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बतानी है आप लोगों को, क्या हो जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, 8 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विज्ञान है हमारा, जो विज्ञान चल रहा है तो उसका ये अंतिम होगा, 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे आप, वो 90 क्वेश्चन मैथमेटिक्स और साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा पोर्शन पार्ट्स इसका। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन चुनिए, तो क्या हो जाएगा? लोलक तो आप जानते होंगे, घड़ी जो होती है, घड़ी में नीचे पेंडुलम जैसा एक जो लटका रहता है वो होता है, लोलक होता है, उसके बारे में ये बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला राइट। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवर्ती 10 हर्ज है। के बारे में प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर है ये, और हम देखेंगे लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश, तो इसमें देखिए जो पेपर होगा उसमें आपको इसी टाइप का, सेम इसी टाइप का एक पैराग्राफ आएगा, इस टाइप का मतलब ऐसा होगा, इसका मतलब ये नहीं यही होगा, तो ठीक है, इस टाइप का एक पैराग्राफ आएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद जब इसको आप पढ़ लेंगे तो इसी में से जो क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन होगा 91 क्वेश्चन देखेंगे हम। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए कंडीशन दे रखी है, ए स्कूल वन लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ एजुकेट
पीपल लैंग्वेज लर्नड ऑन द स्ट्रीट इंक्लूड द यूज ऑफ स्लैंग। तो क्या आंसर होगा इसका? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करें, आपको आसानी हो जाएगी सीटेट एग्जाम के पेपर में। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बोथ ए एंड बी आर राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 92, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द काइंड ऑफ लैंग्वेज लर्नड इन इच सेटिंग डिफरेंस टू। इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड, कंजक्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 93 क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग पैराज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड, व्हाट डिलाइडेड अंटिल ए क्विज। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, कंजक्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 94 है, व्हाट डज द वर्ड मोटिवेटेड मीन इन द फॉलोइंग पैराज, हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट कैन थर्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, इंटरेस्टेड। ये जितने भी मैं आपके आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चनों के, ये सब पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएंगे, ये आपको एग्जाम में छाटने होते हैं। ठीक है, इन ए हैप्पी जार्ड वे, द वर्ड हैप्पी जार्ड मीन्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनऑर्गेनाइज्ड इज राइट आंसर। ठीक है, 95 के बाद आ जाएंगे हम ऊपर 96 पे, द बेस्ट प्लेस टू करेक्टली एंड क्विकली लर्न ए फॉरिजन लैंग्वेज इज, क्या है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, बोथ द क्लासरूम एंड द मार्केट प्लेस इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेक्स्ट बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, टिक करेंगे, फोर्थ, कंट्रोल लैंग्वेज लर्निंग इज राइट आंसर। 98 देखेंगे, लैंग्वेज नीड टू रियल लाइफ सिचुएशन आर फुलफिल्ड बाय, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, लर्निंग ऑन द स्ट्रीट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, शॉपकीपर आर इंटॉलरेंट ऑफ इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, देखिए जो 100 वाला, ये 100 क्वेश्चन है, इसका जो ऊपर एक आपको दे रखा है ये पैराग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, इस पैराग्राफ में से ही आपको 100 वाले के जो क्वेश्चन है इसके आंसर छाट के इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। इन द एक्सट्रैक्ट द पोइट हैज कंपेयर्ड, ये पोयम का पोयम दे रखी है, उसमें से आपको इसको रीड करना है और उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो इसका 100 वाले का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, मैन विथ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, मूड ऑफ द स्पीकर इन ऑल द दीज लाइन्स इज, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, इंट्रोस्पेक्टिव इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 102 पे, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट, क्या आंसर होगा इसका?
इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, परसोनिफिकेशंस। ठीक है, 103 का देंगे, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड द पैराज एंड वीरल द मिल्स इज, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, इस माइल। ठीक है, फोर्थ 104 देखेंगे, द ब्यूटीफुल ड्रेसेस वर्न वाय द अर्थ इज मेड ऑफ, क्या होगा आंसर इसका? इसका हो जाएगा सेकंड, वाटर एंड ग्रास। 105 देखेंगे, द सिटीज गार्डन क्लाइफ्स ऑफ आइसलेस सो दैट द अर्थ इज, क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, हुज। ठीक है, 106 देखेंगे, ए टीचर डिवाइडेड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ फोर एंड रीड आउट ए टेक्स्ट ऑफ अबाउट सिक्स सेंटेंस, लर्न्स लिस्ट टू एंड जॉट डाउन इंपॉर्टेंट वर्ड एंड पैराज, द टीचर रीड आउट द टेक्स्ट द सेकेंड टाइम, देन लर्न्स डिस्कस इज ग्रुप द जॉइंटेड डाउन वर्ड एंड रिक्रिएट द टेक्स्ट नियरर टू द वन रीड आउट वाई द टीचर्स, व्हाट इज दिस टास्क नाउ एज, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, कंपोजिशन, ये इसका आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, फोर्थ वाला कंपोजिशन डिक्टेशन इज राइट आंसर फोर्थ। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे 107 में, इंटेंसिव रीडिंग रिफर टू, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, रीडिंग ए टेक्स्ट फॉर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, 108 में जाएंगे, अनोइंग ए वर्ड मींस, इसका आंसर हो जाएगा आपका हाउ वेयर एंड व्हेन इट इज यूज्ड फॉर। ठीक है, विच टोपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन डज द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलोंग टू, इमेजिन यू आर द नैरेटर ऑफ द स्टोरी, राइट एन एंट्री इन योर डायरी अबाउट योर एक्सपीरियंस इन अबाउट 100 वर्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, इनफॉर्मेटिव क्वेश्चंस। ठीक है, 110 पे आ जाएंगे, पोइट्री टीचिंग इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, लर्निंग आउटकम्स एम 8, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, इंश्योरिंग ऑल द कंपिटिशंस आर एक्सपीरियंस बाय लर्नर्स। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर पे आ जाएंगे 112 पे, ए टीचर ब्रिंग ए न्यूज़पेपर टू हर क्लास 8th स्टूडेंट आर आस्क देम टू द फाइंड सम एडवर्टाइजमेंट, सी देन आस्क देम टू लिस्ट आउट हाउ एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइंड एंड व्हाट एंड एडवर्टाइजमेंट कंटेंस, व्हाट इज द न्यूज़पेपर हियर, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, मटेरियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। आंसर इसका हो जाएगा आपका थर्ड, मटेरियल्स फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे हम 113 पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 असाइंस सप्लीमेंट्री एंड कंप्लीमेंट्री रूल्स टू इंग्लिश लैंग्वेज, दिस मींस दैट, इसका आंसर होगा आपका
फोर्थ, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग शुड सपोर्ट लर्निंग ऑफ अदर लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट। ठीक है, 114 का हो जाएगा। देखिए 114 क्वेश्चन है इसके, ए रीडर यूज हर हर प्रियर नॉलेज मार्क मेक्स सेमेंटिक क्यूज एंड सेनेटिक क्यूज देन मूवीज मूव्स टू अदर मोर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन व्हाट मॉडल फॉर रीडिंग द रीडर हियर एडॉप्ट्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट टॉप डाउन मॉडल। ठीक है, उसके बाद होगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 115, ड्रिलिंग इज ए टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स और ए स्ट्रेटेजी इज न। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम 116 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट, फर्स्ट लैंग्वेज सपोर्ट सपोर्ट्स दैट द लर्निंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, 117 पे आ जाएंगे, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्सेस इन एजुकेशन एम एट। इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा आपका फोर्थ, मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग। राइट आंसर हो जाएगा। एक सौ अठारह ए टीचर्स आस्क हेयर लर्नर्स टू कलेक्ट वर्ड पैसेज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स दे सी एंड नोटिस इन देयर मार्केट एंड स्ट्रीट। लेटर द लर्नर्स राइट द वर्ड एंड पैसेज अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड डिस्कस देम इन द क्लास। व्हाट इज द प्रैक्टिस नो एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, एक्टिव वेक्यूलरी। राइट आंसर है 119 पे आ जाएंगे हम, व्हाट डज सी एल आई एल स्टैंड फॉर। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब इसकी लैंग्वेज जो फर्स्ट है इंग्लिश, इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या हो जाएगा इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, रिसिप्टली वेकुलरी आर वर्ड वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और सी एंड प्रोड्यूसिंग वेकुलरी आर वर्ड वी स्पीक और राइट। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे, ये सीटेट पेपर सेकंड प्रीवियस ईयर 2019 का, लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का मैंने पूरा सॉल्यूशन बताया, और इंग्लिश जो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। अब यहाँ बात करेंगे हम भाषा फर्स्ट हिंदी के बारे में। देखिए आपको इस टाइप का निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। ये पैराग्राफ दिया होगा आपको, इसमें इसको आप पढ़ेंगे और यहाँ से आपको जवाब देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, वातावरण का विग्रह और समास होगा। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा आपका पहला, बात का आवरण तत्पुरुष। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे 92 क्वेश्चन पे, श्वास और ऑक्सीजन शब्द है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, तत्सम आगत। ठीक है, इसके बाद चलेंगे 93 क्वेश्चन पे, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से है। इसका हो जाएगा थर्ड, क्रिया विशेषण। 94 पे आएंगे हम, गद्यांश का मुख्य विषय है। इस
इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। 95 पे आएंगे, विनिमय का अर्थ है, इसका आंसर हो जाएगा लेना देना। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। 96 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, सांस के साथ क्या आंसर होगा इसका, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फर्स्ट आंसर इज राइट। 96 के बाद आएगा 97, ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, मानव की तरह ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 98, वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को मिलती है, क्या मिलती है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कार्बन डाई ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 99, पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। 99 कंप्लीट हो गए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न संख्या 100 से 105 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए, ये आपको काव्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है और आप आंसर का जवाब देंगे यहां से। 100 से कलेजे के दो टुक करना का आशय है, क्या होगा इसका, इसका हो जाएगा फर्स्ट, मन को कष्ट पहुंचाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है, भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, 102 पे आ जाएंगे, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, अनुनासिक। काव्यांश से हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, क्या है, करुणा। वहां आता है, आता मैं वहां सर्वनाम किसका दयोतक हो सकता है, किसका हो सकता है, यह हो जाएगा आपका भिक्षुक। फिर 105 पे आएंगे आप, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, इसका कारण क्या हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, कुछ भी भोजन ना करना। ठीक है, 106 पे हम आ जाएंगे, 106 क्वेश्चन पे आएंगे, यहां पर देखेंगे 106 क्वेश्चन। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की और संकेत करता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, भाषा की बारीकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 107 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आंसर कौन सा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, अनुरूप साहित्य। 118, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार क्या है, ये विचार पूर्णता सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदी तर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे, क्या होगा,
इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ये सभी। उसके बाद आ जाएंगे हम 110 क्वेश्चन पे। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, भाषा का समृद्ध परिवेश हो। 111 पे आ जाएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, जांच सूची। 112 पे, द्वितीयक भाषा के पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड, बुनियादी। 113 पे आ जाएंगे, भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश 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 रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा फर्स्ट, एकीकृत। 114, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? कौन सी है? आंसर हो जाएगा चौथा, आगमन विधि। ठीक है, 115 क्वेश्चन की ओर आएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार डैश 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 से जुड़ा है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा। 116, त्रिभाषा फार्मूला भारत के डैश 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 के चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, भाषा स्थिति संस्कृति। 112 की क्षमता का विकास बोलने सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, यह विचार क्या है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? हो जाएगा आपका सेकंड, आंशिक रूप से सत्य है। 118 पे आएंगे हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझना। 119 पे आ जाएंगे हम, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का, क्या होगा इसका आंसर? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उसके बाद आ जाएंगे हम 120 क्वेश्चन पे, पढ़ने का अर्थ है, क्या है पढ़ने का अर्थ है? पढ़ने का अर्थ होगा पढ़कर समझना। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, और यहीं पे ये जो लैंग्वेज है हमारी हिंदी फिनिश हो जाएगी 120 क्वेश्चन पर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड के बारे में। तो यहाँ से अब देखेंगे पार्ट, जो लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो आएगा इंग्लिश, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश देखेंगे। तो इसमें जो एग्जाम में आपके इसी टाइप का एक पैराग्राफ दिया होगा, डायरेक्शन रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन। 121 से 128 तक के जो क्वेश्चन हैं उसका जवाब आपको इस पैराग्राफ को पढ़कर देना। ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे एग्जाम में, ये देखिए एस साइंस प्रोसेसेस करके ये है, यहाँ से आपका ये पैराग्राफ है और लमसम यहाँ पर ये आके खत्म हो रहा है अबाउट इट। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 121, हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा आपका तीसरा, ऑल ट्रिवल एंड सम सिविलाइज्ड नेशंस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे 122 क्वेश्चन पे, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए एसेंट
ग्रीक्स वियर सुपीरियर टू अदर यूरोपियन नेशन यूरोपियन नेशंस भी है, साइंस हेल्प अस फाइट सुपरस्टिशंस। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा राइट, ये देखना है आपको। तो 122 का, 122 का हो जाएगा आपका सेकंड, बोथ ए एंड बी आर राइट। 123 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 123, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द होल दैट इज ट्रू, ये बताना है इसमें। तो इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रो नाउन इज राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे 124 क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इट इज ऑफ्टन हेल्ड दैट एज ए प्रिंसिपल। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एड वर्ब इज राइट आंसर। 125 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, डैश दे रखा है, इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सुपीरियर, इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है क्या होगा। इसका अपोजिट हो जाएगा इनफीरियर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। आगे चलेंगे 126, द स्टेटमेंट विच बेस्ट सम्स अप द पैसेज इज, कौन सा होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, सिविलाइज्ड नेशन आर नंबर लेस सुपरस्टिशंस देन द सेविज ट्रिप्स। 127, वी शुड नॉट डिसपेस द सेविज ट्रिप्स बिकॉज, इसका आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, वी आर नो लेस सुपरस्टिशंस देन दे आर इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 128, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए साइंटिफिक बेसिस फॉर इट, आंसर इसका बताएंगे कौन सा हो जाएगा, इसका थर्ड आंसर फ्राइडे आर एज गुड एज अदर डेज, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ आ जाएगा, डायरेक्शन रीड द पैसेज गिवन ब्लू एंड आंसर द क्वेश्चन दैट ब्लू फॉलो। 129 से 135 के क्वेश्चन का जो जवाब है आपको इस पैराग्राफ को पढ़ के देना, इफ आस्क से लेकर है ये पीपल, नेक्स्ट आप आ जाएंगे 129, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट थ्रू इट इज अ वेरी डेंजर, सम पीपल डोंट क्विट स्मोकिंग, वेदर और नॉट टू ड्रिंक एल्कोहल इज नॉट हेल्थ डिसीजन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम होगा आपका थर्ड, बोथ ए एंड वी आर रॉन्ग, ठीक है। 130 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेस ऑफ एडवाइस कैन बी इजीली इग्नोर्ड बाय द पीपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, डोंट स्मोक इज राइट आंसर। 131वां क्वेश्चन आ जाएगा, 131, विच पार्ट ऑफ स्पीच इन द अंडरलाइन वर्ड इज द फॉलोइंग सेंटेंस येट वी आर ऑल मेकिंग ए होल रेंज ऑफ डिसीजन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, कंजक्शन। 132, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस अंडरलाइंड दिस प्रोसेस इज क्रूशियल, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिटरमिनर, फोर्थ वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 133 में आ जाएंगे, स्मोकर्स रन डबल द रिस्क ऑफ कंट्रैक्टिंग हार्ट डिसीज, द वर्ड कंट्रैक्टिंग हियर मींस, क्या होगा इसका मींस, इसका हो जाएगा सेकंड, कैचिंग, ठीक है। 134 पे आ जाएंगे, एन एग्जांपल ऑफ लिमिटेड एरिया ऑफ हेल्थ इज,
टेकिंग मेडिसिन्स, मेडिसिन, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 135 में। व्हाई डज ए कॉमन मैन चूज टू वियर ए सीट बेल्ट, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वी वांट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। ये आपका 135 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। बात करेंगे आगे, 136 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 136, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, टू नो द हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज। 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, रीडिंग इज मेकिंग मीनिंग। वन थर्टी एट, विच इज एन इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग लर्निंग ग्रामर्स, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, प्रेजेंटिंग ग्रामर फ्रॉम इन ए नेचुरल डिस्कर्स देन एक्सप्लेनिंग हाउ हाउ द फॉर्म इज मेड एंड यूज्ड। 139, व्हाट स्टेटस इज गिवन टू इंग्लिश लैंग्वेज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। 140 क्वेश्चन पे है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क लर्नर्स टू राइट ए पैराग्राफ ऑन सर्किट ऑफ वाटर, लर्नर्स गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइंस एंड सोशल साइंस बुक्स एंड अदर सोर्स बिफोर राइटिंग सच टास्क एम एट, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका हो जाएगा आपका सेकंड, अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस टू करिकुलम। 141 पे आ जाएंगे, विच विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असाइनमेंट टूल ऑफ फॉर लैंग्वेज लर्निंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका रिया लिया, रिया लिया, ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड इसका। 142 का देखेंगे, टीचिंग ए नोवेल इज टू प्रमोट, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, रीडिंग फॉर प्लेजर। 143 पे आ जाएंगे, स्टोरी टेलिंग एज ए स्टेज स्ट्रेटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, इंगेजिंग लर्नर्स विथ लैंग्वेज। 144 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग, 144, इनपुट हाइपोथेसिस रेफर टू, इसका आंसर बताएं? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, इन द रिलेशन सिर्फ बिटवीन दैट लैंग्वेज द लर्नर्स नाउ एंड लैंग्वेज दे आर टॉट, ये आंसर इसका हो जाएगा राइट, ठीक है। 145, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइकिल प्रोसेस, आंसर इज थर्ड, मैसेज। 1 प्रोसेस ऑफ रीडिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, प्रोसीड फ्रॉम वूल टू पार्ट। 147, ए टीचिंग आस्क हर लर्नर्स टू डिस्कस इन ग्रुप ऑफ फोर जॉइंट डाउन आइडियाज एंड देन डेवलप देन इन ए आउटलाइन टू राइट ए पैराग्राफ, लर्नर्स देन एडिट द पैराग्राफ इन टू ए फाइनली ड्राफ्ट, विच स्ट्रेटेजी ऑफ राइटिंग डज द टीचर फॉलो हर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, ग्रुप वर्क। इसके बाद आ जाएंगे हम 148, 148, ट्रांसलेशन लिसनिंग, आंसर इसका देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट,
लर्नर्स इन ए हारमोनियस कम्युनिकेशन इज द सोशल टेक्स्ट। 149 क्लैप स्टैंड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अब लैंग्वेज सेकंड का, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है 150। ए टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्नर्स मींस, क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, एन एक्टिविटी वेयर द टारगेट लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द लर्नर्स फॉर ए कम्युनिकेटिव पर्पस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड जो भाषा दूसरी है उसमें आ जाती है हिंदी, हिंदी को भी यहां पर आप देख लेंगे। और भाषा द्वितीय हिंदी, हिंदी में आपको निम्नलिखित अध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के 21 से 128 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित अध्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 121 से 148 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। यहां पर एक पैराग्राफ देंगे हमारे देश से, यहां से एक पैराग्राफ दे रखा है आपको। ठीक है, इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, उस पैराग्राफ से पढ़ने के बाद ही आपको इन सवालों के जवाब देने हैं। तो पहला जो जवाब है वो क्वेश्चन है जो 121 में प्राचीन काल में जीवन का प्रस्तावित लक्ष्य क्या माना गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 122 क्वेश्चन की, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है, क्या नहीं है, ये हो जाएगा आपका थर्ड, जांग से संबंधित नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे हम 123 में, हमारे मानवीय संबंध पीछे छूटने का कारण है, क्या कारण है बताना है, धन कमाने की अंधी दौड़ इज राइट आंसर। ठीक है, 124 में आ जाएंगे, मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है, क्या माना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा। 125 में आ जाएंगे, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो, क्या है बताइए, यह है चोरी और डकैती। ठीक है, ये भिन्न है इनसे। अब उसके बाद हम आ जाएंगे 126 पे, किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, किस दौड़ को माना गया है, किसी भी प्रकार धन जोड़ने की, यानी कि दूसरा इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो 126 के बाद हम बात करेंगे 127 की, धन उपार्जन में संधि करने का शब्द बनेगा, क्या बनेगा बताना है, इसका हो जाएगा आपका थर्ड, धनोपार्जन। 128, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय है, क्या आशय है, इसका हो जाएगा फर्स्ट, आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फिर एक गद्यांश आपको मिलेगा, इसको पढ़ना है आपको, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों संख्या 129 से 135 तक के सबसे उपयुक्त वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, ये पढ़ना है आपको, और ये पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन के जवाब देंगे। 129 से, वह अशिक्षित शिक्षक शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालु और सच्चरित्र हो। ठीक है, 130 में आ जाएंगे, अच्छी शिक्षा की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, अनु उत्तरदायी बनना। ठीक है, 131, अधिकारों और कर्तव्यों के विषय में सुशिक्षित व्यक्ति, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, कर्तव्यों के प्रति संचेत रहता है। ठीक है, 132 क्वेश्चन की बात करेंगे, 132, हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है, इसका आंसर हो जाएगा चौथा, सरल वाक्य। 133 में आ जाएंगे, कौन सा शब्द अनु उपसर्ग से नहीं बना है, कौन सा नहीं बना है, यह हो जाएगा आपका चौथा वाला, अनुपम।
134 क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 134 में मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा वाला, उसे आत्मिक ज्ञान हो। 135 में आएंगे हम, 135 में सुख साधन का विग्रह, सुख साधन का विग्रह और समास है, आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ, सुख और साधन, द्रव द्रव, ठीक है, यह इसका आंसर हो जाएगा। 136 में, 8वीं कक्षा में मुद्रित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुद्रित से ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, डिसलेक्सिया, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला। कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहचानने के उद्देश्य रखते हों। 137 के बाद आ जाएंगे हम 138 पे, बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त डैश सामग्री का विकास किया जा सकता है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा पूरक, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 139 क्वेश्चन है, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण का एक डैश उद्देश्य है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, चौथा, महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 140 में, कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा, पाठ्य सामग्री को दोहराना, ठीक है। 141 में आ जाएंगे हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, क्या हो जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा सुपरी लेख, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 के बाद है 142, 142 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, पढ़ने का संबंध डैश से है, किससे है संबंध, थर्ड, अर्थ से। 143 पे आ जाएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, हिंदी के पाठ्य पुस्तकों को समावेशी बनाना, ठीक है। 144, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है, इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने का बच्चा, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, सुनना बोलना जल्दी सीखेगा, ठीक है। 145 बोलेंगे, बाड़ी अस्थाई होती है और भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, लिखित, सेकंड वाला, ठीक है। 146 में, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या हो जाएगा आंसर, पठित सामग्री के पक्ष में अपनी बात रखना। अब 147 क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 147 पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोजकर लिखिए, अभ्यास प्रश्न डैश डैश का उदाहरण है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, संदर्भ में व्याकरण। 148 उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषा क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे कमजोर प्रश्न है, क्या है इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, लेखक ने अपने जीवन के किन दो घटनाओं में को महत्वपूर्ण बताया। 149 हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, भाषा के शिक्षा शास्त्रीय समझ, लैंग्वेज सेकंड, हिंदी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, डी एंड है इस पेपर का। 150 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक आकलन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बच्चों के भाषा प्रयोग का निरंतर अवलोकन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, यहां पर आपके सीटेट पेपर सेकेंड प्रीवियस ईयर 2019 का
सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि मैं आपको इस पेपर को सॉल्व करने की या एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ, तो ये उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो ट्रिक मैं आपको नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसमें ऐसा हुआ है, ये वीडियो जो है बहुत ही लेंथी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। अगर मैं उस ट्रिक को बताऊंगा तो या तो मैं जल्दीबाजी में बताऊंगा तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, और अगर मैं आराम से बताऊंगा तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अपने आई बटन में एक वीडियो का लिंक दे रखा है, सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी, उस वीडियो में मैंने आपको वो ट्रिक आराम से बताई है। आप से चाहूंगा कि आप उस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें और एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो एक लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सी टेट व SSC CGL व अन्य एग्जाम की वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ। और इसके अलावा भी अगर आपको मेरे से कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए इसकी, तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस पे जाकर वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।